आज स्थानीय प्रेस क्लब में जनता यूनाइटेड दल ने विशेष बैठक की। इस बैठक में पंजाब तथा पंजाबियत के मुद्दे को उठाया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाई मोहकम सिंह ने बताया कि आज पंजाब की दशा काफी खराब हो चुकी है, जिसके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले सिख जथेबंदियों की तरफ से धर्मयुद्ध मोर्चा चलाया गया था, लेकिन तब से आज तक उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। SYL मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है, अगर वह अपना पानी किसी और को देगा तो पंजाब का किसान भूखा मर जाएगा। अंत में उन्होंने सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। देखो जी, असी यूनाइटेड अकाली दल की तरफों जत्थेबंदी का जो ढांचा सी पिछले दिन भंग किया, असी नवें सिरों को द्वारा ऐलान किया, कुछ नवे अहुदेदार पाए आ, कुछ होर जथेबंदी का विस्तार किया। नाल दी नाल असी 4 अगस्त 1982 में धर्मयुद्ध मोर्चा लगा सी, उस धर्मयुद्ध मोर्चे की 35वीं वरेगंढ के उत्ते श्री अकाल तख्त साहब से अरदास करके और सतगुरों तो आशीर्वाद ते ताकत ते बल की मंग करके असी कंपलैक्स तो बाहर दरबार साहब तो आ गए। सो हत्थां से तख्तियां लैके जिहड़े मसले जिहड़ियां मंगां उस आनंदपुर के मते दियां उस समय धर्मयुद्ध मोर्चे दियां सी, वो लैके असी कतवाली तक जावांगे ते संतोख सर जाके समाप्ति करांगे।